Bismillahirrahmanirrahim. I welcome all the viewers in today's video. In this video, we will learn about max and min function. And before moving towards these functions, if you have not subscribed this channel yet, you are requested to subscribe it and click on bell icon so that you can get the alerts and notifications of newly uploaded videos. So let's move towards max and min function. Max function maximum value ko return karega, jabke min ka function मिनिमम वैल्यू को रिटर्न करेगा. तो देखते हैं कि मैक्स और मिन के फंक्शन को कैसे अप्लाई किया जा सकता है. इसके लिए मैं कुछ डाटा इंसर्ट कर लेता हूं, जो कि मुख्तलिफ सेल्स में होंगे. जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने फोर वैल्यूज़ को मुख्तलिफ सेल्स में एंटर किया है. अभी मैं चाहता हूं कि इन फोर वैल्यूज़ में से जो सी मैक्सिमम वैल्यू हो वो रिटर्न हो जाए. तो उसके लिए फार्मूला है इक्वल का साइन, मैक्स का कीवर्ड, स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट. फर्स्ट नंबर आपका F5 में प्लेस है, तो आप F5 मैनुअली लिख लें. अगर आप मैनुअली नहीं लिखना चाहते तो आप सिंपली इस नंबर पर आकर क्लिक करें, एड्रेस खुद ब खुद लिखा हुआ आ जाएगा. कॉमा नेक्स्ट नंबर, कॉमा नेक्स्ट नंबर, कॉमा नेक्स्ट नंबर. आप देख सकते हैं कि तमाम वैल्यूज़ के एड्रेसेस मैं एंटर कर चुका हूँ. स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, ये फार्मूला कंप्लीट हो चुका है. एंटर प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं स्क्रीन में कि मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो रिटर्न हो जाएगी, जो कि है 40. इसी तरह मिन का फार्मूला है, उसे भी अप्लाई कर लेते हैं. मिन का फार्मूला है इक्वल का साइन, मिन का कीवर्ड, स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट, फर्स्ट नंबर कॉमा सेकेंड नंबर कॉमा थर्ड नंबर कॉमा फोर्थ नंबर और ब्रैकेट क्लोज. एंटर प्रेस करने के बाद जो मिनिमम वैल्यू होगी वो रिटर्न होगी, जो कि है 10. तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि हम इस तरीके से जो स्कैटर्ड वैल्यूज होंगी, जो मुख्तलिफ सेल्स में पड़ी होंगी, उनके लिए हम ये मैक्स और मिन का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं. अगर आपकी वैल्यूज एक तरतीब में पड़ी हैं, एक सीक्वेंस में पड़ी हैं, जैसा कि मैं एंटर करता हूँ, अभी आप देख सकते हैं कि ये वैल्यूज एक तरतीब में पड़ी हैं, तो इसके लिए जो फार्मूला होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा. वो फार्मूला है इक्वल का साइन, मैक्स का कीवर्ड, स्मॉल ब्रैकेट. इस लिस्ट में पहला जो नंबर है उसका एड्रेस आपने लिखना है, जो कि है B5. B5 आप मैनुअली भी लिख सकते हैं और सिंपली इस पर क्लिक करें, B5 लिखा हुआ आ जाएगा. और कीबोर्ड में कॉलन का साइन होगा, जो कि दो डॉट्स होते हैं, वो आपने प्रेस करने हैं. और इस लिस्ट में लास्ट नंबर होगा, उसका एड्रेस लिखना है, जो कि है B9 ब्रैकेट क्लोज. एंटर प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम नंबर है वो रिटर्न हो जाएगा. इसी तरीके से मिन का भी फार्मूला है, उसे भी अप्लाई करते हैं सीक्वेंस वैल्यूज के लिए. इक्वल का साइन, मिन का कीवर्ड, स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट, फर्स्ट नंबर लिस्ट में जो है B5 कॉलन B9 ब्रैकेट क्लोज. एंटर प्रेस करने के बाद सीक्वेंस में जो मिनिमम वैल्यू पड़ी होगी वो रिटर्न हो जाएगी, जो कि है 10. अगर आप यहाँ वैल्यूज चेंज करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जहाँ फार्मूला लगा हुआ होगा वो भी ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा. जैसा कि मैं यहाँ मिनिमम वैल्यू 5 करता हूँ, 5 जैसे ही मैंने किया तो आप यहाँ देख सकते हैं मिनिमम वैल्यू 5 हो चुकी है. इसी तरीके से मैं इस 10 को 100 कर देता हूँ, आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू 100 आ चुकी है. इसी तरीके से मैं मज़ीद वैल्यूज़ लिख लेता हूँ. मैं इन वैल्यूज़ में भी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ और इन वैल्यूज़ में भी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ. चूँकि मैंने यहाँ मैक्सिमम का फार्मूला लगा रखा है, आप यहाँ देख सकते हैं, तो मैं सिंपली इसे ड्रैग करूँगा. ड्रैग करने के बाद मैक्सिमम वैल्यूज़ फाइंड हो जाएंगी. यहाँ भी 63 है मैक्सिमम इन तमाम नंबर्स में, और यहाँ भी मैक्सिमम 63 है. मैं इसे चेंज कर लेता हूँ, 73 करता हूँ, तो आप देख सकते हैं इसे 73 कर दिया है. इसी तरह मैं मिनिमम भी इनमें फाइंड करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ फार्मूला ऑलरेडी लगाया हुआ है, तो मैं सिंपली इसे ड्रैग कर लेता हूँ. वो इन वैल्यूज़ में से भी मिनिमम वैल्यूज़ को रिटर्न कर देगा. तो इस तरीके से हम मैक्स और मिनिमम के फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं. उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी. अपनी नेक्स्ट वीडियो में न्यू फंक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा. तब तक अल्लाह हाफिज़.